नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्तपंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। 7,881 मतदान केंद्रों में लोगों ने वोटिंग की। 5 बजे तक 65.92% मतदान रिकॉर्ड किया गया। सुबह से मतदाताओं की पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी रही। हिमाचल में एक ही चरण में मतदान हुआ। आज मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। अब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा हिमाचल में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शाम 5 बजे तक चली। हिमाचल प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार हरोली विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी पत्नी और बेटी संग गोंदपुर जयचंद स्थित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि जो भी होगा मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का यह कहना है कि जनता ने सरकार बदलने का मूड बना लिया है और मतदान होने के बाद 8 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता परेशान हुई है। आनंद शर्मा ने कर्मचारियों को उनका हक देने की भी बात कही। शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। हिमाचल में लोकतंत्र के महापर्व में आम से लेकर खास सभी ने अपनी भागीदारी निभाई, अपना वोट डाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवार के साथ वोट डाला तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वोट डालकर तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया और लिखा कि आज लोकतंत्र के महापर्व पर बीजापुर हिमाचल प्रदेश में अपने परिवार के साथ समृद्ध देवभूमि के लिए मतदान किया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। एक चरण में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। हिमाचल में आज 65.92% वोटिंग रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग सिरमौर में हुई। सिरमौर में 72.79% वोटिंग हुई तो वहीं किन्नौर में लोगों का उत्साह काफी कम दिखा। किन्नौर में सबसे कम वोटिंग रिकॉर्ड की गई। हिमाचल में 68 सीटों के लिए चुनाव खत्म हो गए हैं। अब 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स का खबरें जारी है। नमस्कार।